ये हमारा शहर हैदराबाद है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती निहारते हैं। यहाँ रहने वाले एक ऐसे डॉन की कहानी देखिए जिसका मकसद खून खराबा लूटमार नहीं बल्कि इंसानों से प्यार और जालिमों से नफरत है। तो देखिए प्यार लुटाने वाले और जालिमों को मिटाने वाले टाइगर सुल्तान की कहानी। जाओ निकाल पीस पट उठा सुल्तान क्या बोला सुल्तान उठा सुल्तान बाजू रख क्या बोला सुल्तान कौन सुल्तान इसका नाम तेरा नाम सुल्तान है मेरा नाम सुल्तान है तेरा नाम सुल्तान कैसा है तू सुल्तान कैसा हो सकता साले ना भाई क्या बंद रहे नाम बदलूंगा साहब नाम बदलूंगा साहब उस नाम से मेरे को नफरत है सुल्तान बोलता मेरे सामने सुल्तान बोलता आराम से नाम बदलूंगा साहब सुल्तान इन्हें मेरे को कई को तो भी बुलाया होगा इधर दरवाजा खोल रहे हो फैसल साहब खुद हमारे गरीब खाने पर बैठ 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 इतर की खुशबू अच्छी है फैसल साहब आप शतरंज खेलते हैं नहीं सर अरे खेलना बादशाह की क्या अहमियत है मालूम पड़ती कभी तो बादशाह बनो यार हमेशा मामूली प्यादे साहब ये गोल गोल बात मेरे को समझ में नहीं आ रहे सीधी लकीरी समझ में आती अपन को क्या बोल रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा साहब सीधी बात ये है कि तू सुल्तान को मार दे फिनिश मौका मैं खुद तेरे को दे रहा हूं कलोनी अदालत में आएगा अकेला बोला पंची अकेला पंची फिनिश कर दे साहब शेर अकेला है तो शेर नहीं रहता क्या वैसे भी शेर का शिकार करना नहीं आता साहब मेरे को देख फैसल शेर भी जंगल के कुत्तों से डरता तू तेरे जंगली कुत्ते ले जा और सुल्तान के ऊपर हमला कर दे समझा ना साहब सुल्तान से मेरी दुश्मनी तो समझ में आ रही आपका क्या बिगड़ा उन्हें हालांकि उन्हें आपको मामूल भी देते रहता आखिर क्या झगड़ा है साहब है एक पुराना हिसाब जो सिर्फ उसके खून से धुलेंगा और मामूल दे रहे बोल के कौन बोले तेरे को हाँ साहब खत्म
उसके दो चार चिल्लर गरीब मैले लोकलों को बांट रहा हूँ। सबसे बड़ा गरीब कौन? मैं। सबसे बड़ा यतीम कौन? मैं। बोल। वो सब छोड़ो साहब, मेरे कांधे पे बंदूक रख के नक्को चलाओ साहब। देख फैसल, ऊपर वाला दुनिया में सिर्फ अपने को खाने पीने हंसने रोने को नहीं पैदा करा, कुछ अच्छा काम करने को भी पैदा करा। हेल्प अस, हमारी मदद करो, कानून से हाथ मिलाओ। पुलिस पब्लिक भाई भाई। करेक्ट, बैठ। ये कुछ आपकी तारीफ के पुलिस में, ये देख ये 55 केसेस, एक भी अगर ओपन हो गया तो 7 साल के लिए लग गए। बोल, अंदर जाके डंडा खाएंगा या बाहर जाके ठंडा पींगा? साहब, सुल्तान अकेले थोड़ी छे, उसके पीछे पूरी सल्तनत है ना साहब। सल्तनत, इस बार ऐसे पत्ते बिछाऊंगा ना सुल्तान रहेगा ना उसकी रियासत। साहब, ये फील्डिंग सुल्तान की नहीं, मेरे वास्ते लगाए जैसा दिख रहा साहब। देख फैसल, मैं क्रिकेट बहुत शौक से देखता हूँ, और वो गेम में लास्ट बॉल तक क्या होता कोई नहीं बोल सकता, और इस बार मैं विनिंग टीम के साथ हूँ। ये बॉलर बॉल डाला और विकेट की धज्जियां उड़ गई। सुल्तान बोल्ड, सुल्तान क्लीन बोल्ड, सुल्तान। तमाम सबूतों और बयानात की रोशनी में अदालत ये फैसला देती है कि टाइगर सुल्तान पे लगाए गए इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं, लिहाजा ये अदालत टाइगर सुल्तान को बाइज्जत बरी करती है। कैसे बाबू मियां? ठीक हूँ भाई। तुम्हारे अब्बा के ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर मोहन गुप्ता को, आरोग्य हॉस्पिटल। हो गया? हो गया भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे। अम्मा, ससुराल में बच्ची कैसी है? अच्छी है सब। अच्छी है ना? हाँ सब। फिर वो लालची लोग सता रहे तो नहीं ना? नहीं सब। वो देखिए आ गए। मुबारक हो टाइगर सुल्तान, आज झूठे केस से बरी हो गए आप। सर, सच को आज नहीं है, खोटा सिक्का कब तक चलेगा। बिल्कुल सच कहा टाइगर सुल्तान, ये ऊपर वाले का कर्म और गरीबों की दुआ का नतीजा है। वो तो है, आप जैसे दोस्तों की मेहरबानी भी है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। Yeah.
ये मेरा चपट्टा है, पूरी ट्रेनिंग मेरी छे। अरे क्या लड़े उस्ताद? तुम लोगों का पट्टा हूँ उस्ताद, अब जाने दो। ओके बेटा, पूरा एक्शन हीरो लग रहे थे। चिंदिया कर दिए हमिया। गरम चाय। अरे छोड़ बे, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी रे, वो इंस्पेक्टर जानी के चक्कर में आके टाइगर सुल्तान के मुंह में हाथ डाल दिया। मालूम है ना रे, फैसल की हुकूमत। हाँ भाई। चांदमीनार के इस पार, नैपुर के उस पार, पत्थरगट्टी, चांदमीनार, याकूबपुरा, जबीलपुरा, अमान नगर, भवानी नगर, शाहीन नगर और बहुत कुछ है रे। हाँ, तालाब कट्टा, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, नवाब साहब का कुंटा, जानुमा, नैपुर के उस पार, मुशीराबाद और भोलकपुर में भी चलती थी। इतना सब होने के बाद टाइगर सुल्तान से कैसा छुपूं रे? पासपोर्ट भी नहीं है, पुलिस के पास है और मैं दूसरी कंट्री भी जा नहीं सकता। तुम लोगा दो उधर जाओ, दो इधर जाओ और जो भी दिखाना उसको मार डालो, समझे? अच्छा भाई। ये मैया देखो तुम, मेरी तीन पांच होती। अरे क्या है मास्टर साहब, 6 महीने से आ रहे ही जा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे ही नहीं। हलीफ का नाम भाला नहीं आ रहा मेरे को। परसों अमेरिका गया, दुबई गया, फार्मा फिलअप करा रहे वहाँ। मेरे हाथ को पट्टी बन लेके रह रहा हूँ मैं शर्म से। पट्टी कहीं को बन ले रहे? फार्मा लिख रहे ना जी वहाँ, मेरे को लिखने नहीं आता। सब अंग्रेजी में हाय 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 कर रही, वो गोरे गोरे राष्ट्रीय सा पहन के हाय हाय कर रही। क्या करूँ इसके, वैसे इंग्लिश में बात ही नहीं आ रही। हाथ दर्द है जरा, लिख दो ना बोले तो। लेडीज भी लिख दे रही, जेंट्स भी लिख दे रहा। कब तक अपाहिज की जिंदगी जीने लगाते मेरे को? अच्छा, हमारी पढ़ाई पे शक कर रहे हैं आप? आज बड़े बड़े ऑफिसर जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं ना, वो सब मेरी बदौलत है। यहाँ तक के सीएम भी मेरा स्टूडेंट है। मैं मेरा देखूंगा ना, सीएम रहने दो, पीएम रहने दो, मेरे को क्या करना है? मेरे को इंग्लिश के 4 अल्फा सिखा दिए तो खत्म हो जाता ना मास्टर साहब। अच्छा ठीक है, सुनो, अगर किसी आदमी को उधर से इधर बुलाना है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अरे कम हियर। अच्छा ठीक है, उस आदमी को इधर से उधर बुलाना है तो कैसे बोलेंगे? कैसे बातें करते हैं हजरत, इतने छोटे को 10 बार याद दिलाते। उधर जाके बोलता हूँ कम हियर, खत्म। भाई चलिए मास्टर साहब, सुनो। हाँ? कल जो है ना मास्टर साहब, बस्ती में अनाज बांटने का काम करो। आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं सुल्तान, 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 मुझे माफ करना सुल्तान, मुझे माफ करना सुल्तान, नहीं, नहीं, नहीं। सुल्तान,
भाई अच्छी ठंडी छांव में बैठा था भाई, वो इंस्पेक्टर जानी चू लगा के छोड़ गया। अगर मैं आप पे अटैक नहीं करता था उन्हें मेरे को मार डालता था भाई। भाई भाई नहीं 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 चुप, नहीं नहीं चुप, नहीं साले तू और सल्लू मेरे दो आंख थे रे। सारे शहर को मालूम था सुल्तान के दो आंख है। तू मुझे कंडो बना दियो। माफ करो भाई, माफ करो भाई, माफ करो भाई। मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, बहुत बड़ी गलती करा तू। जाओ साले को दवाखाने को। शाबाश सल्लू भाई, साले को जिंदा गई को छोड़ दिया, मार डालना था। मारने का हक अपने को नहीं है रे, लंगड़ी टांग लेके जिंदगी भर याद करेगा साला। भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये साला इंस्पेक्टर जानी तुम्हारे पीछे हाथ धोके क्यों पड़ा हुआ है और तुम्हारे पे हमला क्यों करा रहा उन्हें? 15 साल पहले की दुश्मनी है वो, जब इंस्पेक्टर नहीं था। एक लड़की को छेड़ा तो खूब बजा दिया था साले को। चल छोड़ जाने दे। फिर शुरू कर दी क्या? तू भी है जी, पेपर पढ़ते रहते, काम धंधा कुछ भी नहीं है। अरे क्या बोलना चाह रही भाई तू, घर में भी सुकून से रखो बैठूं? सीधा सीधा दवाखाने को जाते नहीं जाते? जा रहो ना, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे इधर देख रहे। अरे फिर शुरू कर दिया। अरे रोक नहीं, 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 चल भाई भाई नहीं करता, अब नहीं करता। तब भी ऐसी बेईमानी करते रहता तू। अरे मैक मोहन, कहाँ छुपके भाग रहा था मियाँ? ऐसा गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह। भाई आपके पैसे देना हो ना, इसके वास्ते मुझे छुपा लेते फिर रहा हूँ भाई। तो क्या मैं तेरे को फाइनेंसर दिख रहा हूँ? भाई डर डरी से ना भाई। अरे मेरे से नको डर, खर्जे से डर। कर्जा शेर से भी ज्यादा खून खार होता। मैं अपने पैसे माफ कर दिया, जा तू मेहनत करके अपना कमा। चल भाई, अल्लाह हाफिज। टाइगर सुल्तान जिंदाबाद, टाइगर सुल्तान जिंदाबाद। अरे घर के बाहर नहीं निकलते जी तुम? अरे अरे क्या तो घर में बैठ के? अरे 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 बचा, ठहरो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूं। रुको तो सही, काई को भाग रहा इधर उधर। आओ आ रही है, देखो भाई, अरे देखो मैं मारी से देखो, बाहर निकलो इधर से। अरे देखो भाई इधर आओ तुम। क्या हुआ मां, मेरे से बात करो, इधर ठहरो, बोलो। क्या हुआ? तंग कर दी भाई, रात दिन तंग कर दी, रात दिन तंग कर दी। क्या इतने गलीज लगा, मैं आज तक नहीं देखा भाई, झाड़ी से मारू घर को। शिकायत कर रहे हैं काम के ना काज के, शिकायत कर रहे भाई, भाई है। इसका बाप पहले मैं को साइकिल मोटर दिला दूं, मला खाली साइकिल दे दिया भाई, मोटर खरीद के लगा लो कहते। ऐसे लोग आए भाई, ये लोग बात करते चूड़ी साड़ी सैंडल चप्पल जाते नहीं, मेरे बाप का नाम लेते। अरे देखो भाई, बाप पे ना को जाओ। क्या है रहीम मियां ये सब, अब ये सोप तस्वीर रोडों पे होंगे क्या?
रबरों के, चोटियों के, साड़ियों के, चुंदरियों के। अरे अकल होना यार, वो हमारा क्या माशरा हो गया मियां। ये जाओ उसको जाके चप्पल दिला के लेके आओ। भाई कहां से दिलाऊं भाई, नंबर पूछ लो उससे, चप्पल दिलाओ। कौन से नंबर की चप्पल होना जानू। अब नंबर भी भूल गए, अब भी छापी ना तुम्हारी पीठ पे। देखो भाई देखो, मारी से चप्पल से। क्या है जी ये, औरत हो के मर्द के ऊपर हाथ उठाते, ये तरीका है? जाओ जाके चप्पल दिला के लेके आओ। आइंदा नहीं करना। मास्टर साहब जी, मेरे को एक जरूरी काम है। अच्छा, मैं और तबर जा रहे हैं, बाकी का काम क्या है आप देख लो। जी ठीक है। संजय, ये सुल्तान साहब दिए। ओए ओए हातिम ताई के नौकर, बहुत हो गई तेरी लीडरी। यहाँ के लोगों को अनाज से ज्यादा सिगरेट और गुटके की जरूरत है, वो ला के देता तो ला के दे। ओ बैगन, आज की जरूरत के चीजा तो सिगरेट शराब गुटका है, करना है तो ये दान करो। दाल रोटी का इंतजाम ऊपर वाला कर देता। सुधर जाओ सुधर जाओ, सुल्तान एक नेक काम कर रहे हैं, उनके नेक काम में रुकावट मत बनो तुम लोग। बैठो, शुरू करो आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इंस्पेक्टर, अनाज बांटने के लिए मैं बस्ती में गया था, वहाँ पर अचानक कुछ गुंडे हमला कर दिए मेरे पे। हाँ। और उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ आपके पास। कौन बोला, किसके बोलने पे? सुल्तान के। अरे क्या तुम लोग मेरे साथ क्या हौला बना कर रहे रे? फिर सुल्तान? हाँ? सुल्तान बहुत अच्छा आदमी है साहब। सुल्तान ना सिर्फ अच्छा आदमी बल्कि एक अच्छे दिल का मालिक भी है। एक सेकंड रुकावट के लिए खेदे, कौन है रे तुम तीनों? साहब, इन्हें अनाज बांटने के चक्कर में लोगों के घरों में घुसरा, औरतों को नीचे से ऊपर तक देख रहा साहब, और कहां कहां की हाथ भी लगा रहा। साहब इन्हें दिखने में शरीफ है साहब, बहुत बदमाश है साहब इन्हें। अरे आपके तारीफ के चर्चे तो कहां से कहां तक। ज्यादा ईमानदारी के पाद न को मार, ज्यादा ईमानदारी की बात न को कर, ठोक दूंगा तेरे को। ए रहीम, साहब को लेके जाओ, मैं आ रहा हूं। अगर सुल्तान को पता चला ना तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। चलिए चलिए चलिए, एक बात याद रखना, सुल्तान कोई मामूली आदमी नहीं है। किस खातिरदारी करने आ रहा हूं? चल अंदर। हाँ क्या करा रहे? चलो टोट टोट टोट। साहब। हाँ क्या साहब? सुल्तान बहुत अच्छा आदमी। अच्छा है, मैं बुरा हूँ? अच्छा है। हाँ बोल क्या। ये गलत कर रहे साहब। नेतागिरी करने का है तेरे को? नहीं साहब। सर पे बैठते हमारे? नहीं साहब। हमारे हाथ में मुद्दे? हमारे हाथ में मुद्दे? साला सुल्तान।
जी आप? मैं आपके मास्टर साहब इकबाल खान की बेटी जारा हूँ। मास्टर साहब इकबाल खान की बेटी? जी। इतनी खूबसूरत, पहले कभी भी नहीं बोले ना उन्होंने। देखिए ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, वहाँ पुलिस लॉकअप में मेरे अब्बा को डालकर थर्ड डिग्री दे रहे हैं। क्या? अब प्लीज मेरी कुछ मदद करेंगे, मैं मदद मांगने आई हूँ। मास्टर साहब को? अब प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, प्लीज। चलिए। मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, वाहरे मेरी मुर्गी क्या खूब तेरी तकदीर। रेशमा की पसंद पे जो नजर डालेगा मैं उसका मुंह नोच लूंगी। कई को किसी का भी मुंह नोचती, मेरी छतरी के नीचे आ जा, तू ओलों से भी बचेगी और बारिश से भी, और मेरे पास ठंडी छांव भी मिलेगी। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं पर सरकारी टैक्स पब्लिक को भरना पड़ेंगे। आइए तशरीफ रखिए। जानी तेरी ताकत बताना है तो टाइगर सुल्तान पे बता। ये गरीबों पे क्यों जुल्म कर रहा रे, शरीफ लोगों पे? ताकत? अरे तेरी ताकत को अंदर बंद कर दिया, बता तेरी ताकत, छुड़ा उसको। मेरी ताकत तू क्या देखा रे, तू हराम की कमाई खा के ऐसा हो गया रे। मेरी ताकत क्या देखा, मैं ऐसा 3 बार मारू ना जानी, मेरा आदमी तू खुद बो खुद छोड़ेगा, समझा? आला हेलो सर। भाई तुमको इतना बार समझाया, कब सुधरते जी? मुझे एक बात बताओ, वो मास्टर कुक काई को गिरफ्तार करके अंदर डाले? सर वो शरीफ शराफत अली के ऊपर बहुत ही बेशरम केस है, इसलिए अंदर डाल दिया सर। भाई अननेसेसरली यू आर टॉर्चरिंग द इनोसेंट मैन। भाई ये प्रूव करेंगे तो तुम्हारा वर्दी निकाल देंगे। प्रूव करो मैं? सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बोल दिए छोड़ दे। आपका तरीका ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, इमीडिएटली उसको छोड़ दो। ठीक है सर। ए निकालो रे शराफत अली को बाहर। या अल्लाह। देख लिया टाइगर को? अब हम घर जाएंगे, बहुत मारा इन लोगों ने। ठीक है। हत्ते जो चढ़ गए तुम किसी थानेदार के, ओलिया बिगाड़ दिया है मास्टर साहब। ज्यादा लगा तो नहीं मार मार के? ओ चलिए वो शेर शायरिया बाद में करेंगे, चलिए। ए इंस्पेक्टर, तू इंस्पेक्टर हो के हराम का खा के कमजोरों का शिकार कर रहा, मैं तो शेर हूं ना रे, एक शेर भी नहीं बोल सकता। अगले हफ्ते करेंगे, दूरदर्शन पे करेंगे, चलिए। शिकार तो मैं करूंगा एक दिन। ए रवि। यस सर। टेंशन बहुत है। जी सर। शराब पिलाओगे? पिलाऊंगा सर। पिलाओ, बंदोबस्त करो कुछ। ये तड़ी सल्लू सालम को। अरे कई को तो भी जूते खाने काम कर रहे तुम लोग, खामोश चबूतरों पे बैठो ना। आइंदा से अगर किसी के भी अच्छे काम में दखल दिए ना बेटा, तो वो हाल करूंगा, ये चबूतरों पे रखने के लायक भी नहीं रहेंगी, समझे? तुम्हारी
साले ज्यादा होशियारियां नको करो डेढ़ होशियारियां अगर डेढ़ होशियारियां करेंगे ना घुसर देता हूँ हम लोग को मार कर दो भाई चलो एक शेर बोलता हूँ मैं इरशाद भाई जंगल का नहीं इरशाद इरशाद ये जंगली पे शेर बोलता हूँ मिठाई अगर तुझको मिठाई अगर तुझको वाह 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 इतनी प्यारी ना होती वाह 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 मिठाई अगर तुझको इतनी प्यारी ना होती तेरी तोन इतनी भारी ना होती भाई इसी बात पे एक शेर अगर काम का होता क्या बात है क्या बात है इन्हें काम का शेर बोल रहा देख अगर काम का होता एक भी खिलाड़ी क्या बात है तो टीम इंडिया अपनी हारी ना होती क्या बात है उबले हुए अंडे क्या बोला भाई ने उबले हुए अंडे तब्बू भाई वो एफबी अकाउंट बोल के है कहते नारे वो हाँ भाई उसके अंदर पूरा आ जाता कहते मास्टर की बेटी का निकालना भाई वो फेसबुक बोलते उसको मगर आपको कहीं को वही बोल रहा हूँ रे फ्रेंड रेस्पेक्ट भेजना कहते ना भाई फ्रेंड रेस्पेक्ट नहीं रिक्वेस्ट वही बोल रहा हूँ उबले हुए अंडे बैठना बड़ा इंग्लिश फेंकते रहते फेंकू भाई फोन हेलो अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब वालेकुम सलाम हाँ मास्टर साहब तबीयत बहुत खराब है सुल्तान साहब पुलिस वाले जी भर के मारे मेरे को और आपकी पढ़ाई खराब ना हो इसलिए मैं अपनी बेटी जारा को पढ़ाने के लिए आपके पास भेज रहा हूँ ठीक है ना सुन रहे हैं आप हेलो हेलो सुल्तान साहब हाँ मास्टर साहब मास्टर साहब आपकी ताजी धुलाई का अंदाजा मेरे को है मगर पढ़ाई के मामले में कितना टाइट हूँ मालूम है ना मास्टर साहब आप बेफिक्र रहो वो भी मेरी तरह टीचर है हाँ आप भेज दो जारा को वो वक्त पर आ जाएगी सुल्तान साहब जी ठीक है सुल्तान साहब अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ए तब्बू भाई एक काम करो ये पूरे जंगलियों को जबरदस्त मिला के साफ सुथरा माहौल कर दो बिल्कुल प्यारा माहौल बना दो तबर कोई आने वाला है चलो ठीक है ओके अपने अपने सूरतों को चमका लो ना चलो रे जी पूरे हिलो साफ सुथरे ढंग के कपड़े पहन के आओ ये नको चलो जाओ आने से उसके आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा कितने खूबसूरत दिख रहे रे बाबा काले काले वैश्यत के दरिंदे दिख रहे थे तुम लोग भाई ये सबको व्हाइट व्हाइट ड्रेस किस लिए भाई एक बार व्हाइट बोल दिए तो व्हाइट बोल दिए ए बाबू हटो सुल्तान जी क्या हुआ योर पापा टोल्ड मी यू आर कमिंग एंड टीचिंग मी लेसन जारा आई एम वेरी हैप्पीएस्ट नाउ टुडे आई विल नॉट ट्रबल यू Like your papa. ये आप क्या बोल रहे Please come.
कम कम जरा कम 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 हट रे चल कम 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 जरा सिट 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 जी सिट, जी सिट आप देखिए मैं एक बात का खुलासा कर देता हूँ नीचे देख रहे साले कहीं को देख रहा मैं आपके अब्बा को टीचर बोलता था तो आपको जारा बोलता हूँ That's okay. आप जारा बुला सकते Shall I keep my fingers on my lips and on your lips? सुल्तान जी, it is only a finger on my lips. इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब खाजी को बुला लूँ भाई। और तू औरत क्या बोल रहा है मेरे पास हुस्न के लाखों रंग हैं अभी तू देखा ही क्या तो देखूंगा ना पोएम याद करो बोले थे टीचर तुमको याद करे रेशमा साहिबा आप हमारे घर आइए बैठिए कुछ चाय ठंडा लीजिए चुप बैठो जी आई कौन तो भी है इन्हें मरद मकड़े के वैसा पैंट पहले को आई फट गया तो कौन जिम्मेदार जी आई उनके ए मास्टर कौन तो भी है ये बुड्ढी चुप बैठा इसको तू चुप बैठ तू होगी बुड्ढी मैं तो अभी जवान हूँ क्या है जी एक कौन तो भी पोटी है ये मेरे को क्या मालूम कौन है कि क्या है कि मैं क्या घर को जाकर देखाऊं आपको कहीं देखे जैसा है आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं शायद नहीं मैं ब्यूटी पार्लर नहीं चलाती हूँ मैं फाइट क्लब चलाती हूँ जहाँ तेरे जैसी ब्यूटी को ले जाकर उनका हुलिया बिगाड़ती हूँ समझी और अगर तुझे अपनी ब्यूटी की सलामती चाहिए तो सुल्तान से दूर रह हेलो व्हाट डू यू मीन क्या बोलना चाह रही है आप तुम्हारी लाडली को शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही तुम लोग का शादी नहीं करा रहे बोल के मेरे सुल्तान से ABCD के बहाने LOVE का चक्कर चला रही ए बुड्ढियों तुम लोगों को मालूम लव क्या होता है लव बोले तो प्यार इश्क मोहब्बत हे यू आई लव सुल्तान आपने अपनी औकात अपनी जबान से बता दी मगर हम लोग खानदानी इज्जतदार लोग हैं आपकी ये बदतमीजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ये क्या तो भी हो रहा है यहाँ अपने को क्या अपन तो पढ़ेंगे बहुत ही औकात की बात कर रही अगर मैं अपनी औकात पे आ गई ना
तो तेरा इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगी और तेरी सारी इज्जत को सरे आम चौराहे पे नंगा कर दूंगी, समझी? ये क्या बोल के जा रही ने? आई सुल्तान बोले तो नहीं ना, जिसको तुम ट्यूशन पढ़ाता ही। हाँ, वही अपना सुल्तान। मैं बम मारती हूँ, पढ़ने वढ़ने के चक्कर छोड़ो, बच्ची की शादी करा दो। देखो आशिकी के किस्से शुरू हो गए ना। अजी हम भी जवानी के राह से गुजरे, किसी सुल्तान उल्तान की चक्कर में नहीं पड़े। चुप बैठो जुलेखा, क्या ये भामटे बातें कर रही? भूल गए वो दिना जो साथ में जू पार्क को गए, इंदिरा पार्क को गए, लुम्बिनी पार्क को गए, साथ गुम्मद में हाथों में हाथ डाल के साथ में गए थे ना, अब कोल्लू पापा बन रहे। अब्बा ना आप सुल्तान को पढ़ाने जाएंगे और ना मैं। एक बात बोलूं? बोलो। ये लड़कियां आती हीर की तरह। क्या बात है? दिखती खीर की तरह। आह। चुपती तीर की तरह। क्या बात है? और तो और आखिर में हालता बना देती फकीर की तरह। क्या है रे? घुसा दूं क्या शमशीर की तरह साले? हेलो, भाई आज फिर एयरपोर्ट पे अपना माल पकड़ा गया। अरे सल्लू, ये पढ़ाई का टाइम है ना मियां, तेरे को नहीं मालूम क्या? कहीं को डिस्टर्ब कर रहा? जा जाके देख ले। हेलो रमना साहब, क्या आज आपकी एयरपोर्ट पे ड्यूटी नहीं है? मेरे को बोलना था ना। वो सब मेरे को नहीं मालूम भाई की फ्री भी है, मैं आ रहा हूं। अब देखो टीचर आने वाली है, सबक यादिश नहीं करा, क्या टाइम हो रहा रे तबर? भाई हाँ? एक घंटा पहले टीचर का अगर इंतजार करे तो घड़ी को बार बार देखना पड़ता। चुनने के डब्बिया अगर बन ले के फिरा तो ऐसी छुता रे बाबा, टाइम इज नहीं हुआ रे अभी। अच्छा सुन भाई, इधरा, वो मेरी माशूका को गिफ्ट क्या देंगे रे? सोने की रिंग दे दो, छोटी हो जाती। फिर कुछ बड़ा देते क्या? हो अपने जैसा। तो भाई काम करो ना, लारी का टायर दे दो। कौन दिए थे रे वो? अरे भाई मेरा एक दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को लारी का टायर दिया। हाँ। तो उसके बाबा उसको जहेज में लारी दे दिए। अबा चल, कई के बैगन के बात करता रे, बम मार ले रहे हिंदुस्तान में, दाम नहीं लेना, दहेज नहीं लेना, जोड़े की रकम नहीं लेना, उल्टा सिखा रहा क्या रे ऑडियंस को तू? टीचर असल में भाई के ऊपर जादू कर दिया सरकार, दिख रहा मेरे को। भाई फोन करो ना। कल जो होमवर्क दिया था किया तुमने? This is right. लेकिन यहाँ पर एक गलती है। कल बताई थी ना मैं? एक सेकेंड। हाँ हेलो। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए किस लिए फोन करें? जारा जी सुन रही हूँ। जी जी टीचर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मगर आप किस लिए फोन करें? जी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कहीं को नहीं आए आप। आप किसी दूसरे टीचर का इंतजाम कर लीजिए। अरे ये कैसा हो सकता हमारी जारा जी, आप कितना अच्छा पढ़ा रहे थे, मैं कितना अच्छा पढ़ा था, हम दोनों के दिमाग मिल जा रहे थे ना, फिर क्या मैं गलती कर दिया जी? हम आपको नहीं पढ़ा सकते। आ?
से याद करना देखो मैं बताई मालूम मालूम ये देखो मालूम है तुम मेरे को नको बोलो तुम बोलते मेरे को मालूम है बाद में तुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैं अम्मी से शिकायत करी ना तो तुम्हें डांट पड़ेगी मास्टर साहब ओ मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये बच्चियां आपके हैं इतने खूबसूरत इस उम्र में इतने छोटे बच्चे कहाँ सुल्तान साहब ये तो मेरे बेटे के बच्चे हैं ये मेरे बच्चियां हैं जी ये क्या है ये पंजेरी लाया आपकी कमर घट करने के लिए मास्टर साहब इतना भरा पूरा घर एक जमाने के बाद देखा जी हमारे दादा के घर में भी सब ऐसी मिलके रहते थे मास्टर साहब ये जारा की दीदी है आई क्या मजाक कर रही बाबा मैं अम्मी हूँ अम्मी उसकी अम्मी हूँ आप कौन सी चक्की का क्या आटा खिला रहे मास्टर साहब इनको इतने बड़े बच्चे नहीं दिख रहे आई नजर नकल का बाबा तुम्हारे बाईपा में केकी लगा देखो क्या जी जरा फोन पे ऐसी मजाक करते तुम सुनते चाहिए कलेजा ना मुंह को आ गया मेरा क्या मैंने आपसे कभी भी कोई दिल लुभाने वाली बात की या फिर आपको कभी भी मेरी हरकतों से ऐसा लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई हाँ हाँ तुम्हारे हुस्न की कोई खता नहीं मैं हुस्न इत्तेफाक से दीवाना हो गया एक मिनट हम इज्जतदार लोगा हैं सुल्तान साहब अगर हमारी इज्जत नहीं करे तो कम से कम बेइज्जती मत करो हम पढ़े लिखे नवाबी खानदान के लोग हैं आई सुल्तान तुम ही बाबा वो मरद मकोड़ा आई थी पूरे घर की इज्जत मट्टी में मिला को गई कौन है वो किसकी तो भी बात कर रहे हैं आप वो रेशमा कौन की गुंडी की सूरत की आई थी आके पूरा ये सत्यानाश करके चले गई देखो मास्टर साहब ये आग जो है ना रेशमा लगाई सो है मैं इसको देख लेता हूँ जारा की शादी मेरे से करते या नहीं करते ये बोलो बाकी सब देख लेता हूँ रेशमा तू बहुत गलत करी मेरे साथ अरे डायन मेरा घर बसने से पहले उजाड़ने गई थी ना तू भाई दो दिन नहीं हुआ उस लड़की से मिलके उसकी खातिर रेशमा को मार रहे दो दिन की क्या बात कर रहा मियां मोहब्बत के लिए एक नजर काफी है मेरी मोहब्बत का क्या जो मैं तुमसे करती हूँ मैं तेरे को बोला कभी तेरे को पसंद करता हूँ या मैं चाहता हूँ बोल के माफ करना भाई वो लड़की भी तो नहीं बोली ना आपसे प्यार करती हूँ बोल के अरे चल उसकी फिकर तू कहीं को कर रहा रे आज नहीं तो कल वो लड़की मेरे से प्यार कर लेगी भाई शरीफों की जोड़ी शरीफों के साथ और बदमाशों की जोड़ी बदमाशों के साथ ही जमती तेरे को नहीं मालूम इतने साल से काम कर रहा टाइगर सुल्तान बोलते शरीफ के साथ शरीफ बदमाश के साथ बदमाश
ये सब क्या है रेशमा? छोड़ दो सुलेमान। ये सर पे जुनून लेकर तू कहां जा रही रेशमा? वो जारा के घर को कब्रिस्तान बनाने। क्या ऐसा करने से सुल्तान तेरा हो जाएगा? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने अरमानों का खून करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो मुझे क्या कमी है मुझ में सुलेमान। देखो मुझे। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती हो। तो फिर सुल्तान को क्यों नहीं अच्छी लगती? सुल्तान अब तक वन साइड रोल निभा रहा, वो लड़की उसे रेस्पॉन्स भी नहीं दे रही। तुम खाली पीली अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो सुल्तान के लिए? तुम सही कहते हो। सुल्तान, आज मैं तुम्हारा दाया हाथ काट रही हूं। वादा किया था शाम को आने का, पर ना आए। झूठे हो तुम भी, शाम के अखबार की तरह। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। क्या खान साहब, समझ में आया आपको भाई? क्या चढ़ा रहे हैं खान साहब मेरे को? अरे भाई, आप जो भी बोलते हैं उस पे वाह वाह बोलते ना भाई। भाई हाँ, अपन वो बला है जो कच्चे गोबर में भी आग लगाए थे। अगर मामला सीरियस है तो बोलो, भाभी के दिल में तुम्हारी प्यार की आग लगाए तो। क्या बोला एक अल्फाज तू? गोबर। क्या गंदे बातें कर रहा रे तू? मैं जारा से प्यार कर रहा हूँ, गोबर उबर बोल रहा क्या रे तू? देख मेरी आंखों में जारा की तस्वीर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। भाई आपकी एक आंख में तो मैं दिख रहा हूँ। अरे खुल गए मेरे आंखा है भैंस का तबेला नहीं, समझा? कि जिसमें तू दिखेगा तेरे सामने कुछ बोलना क्या, भैंस के सामने बीन बजाना है। मैं खुल गा, मैं बैल। देखो कौन सा हेलो क्या भाई, पूरी इंक्वायरी निकाल लिया। भाभी मेथोडिस्ट कॉलेज में टीचर है कहते हैं। भाई मेरे को आंख पे कांटे आते भाई। देखो कॉलेज नहीं है रे वो, वो मेरे प्यार की मंजिल है, जहां से मैं शादी के मंडप तक जाऊंगा। ज़ारा डार्लिंग, आई एम कमिंग स्वीटहार्ट। जिंदगी में पहली बार पढ़े लिखों के कपड़े पहना और टाई भी लगा, क्या मस्त दिख रहा हूँ। आज तो पटना चाहिए। तवर, यहाँ तुम्हारी भाभी लेक्चर है। अच्छा, और ये हो गया मेरा ससुराल। तो अब आप क्या करना, अदब से सलाम करो, नहीं तो देवर गुंडा है बोलेंगे रे। भाई अदब से सलाम करो, पैराम पढ़ लेता हूँ मैं, कौन सा जिंदगी में कॉलेज को गया बोल के। कितना अच्छा है रे तब्बू। भाई ये रात में जो गुलपोशी हुई ना आपकी, पूरा चेहरे पे रश है देखो आपके। दिख रहा हूँ कैसा, वो बोल मेरे को। वर्ल्ड में तुम्हें किस मार्ट है? चल फिर। अब इतनी गर्मी में तेरी भाभी को देखे तो दिल को सुकून होता रे मेरे भाई।
नजर के घोड़े दौड़ाओ, भाभी कहीं ना कहीं मिल जाते। नजर के घोड़े बहुत दौड़ा दिए मियाँ, अब तो सिर्फ घोड़ी पे बैठूंगा मैं। भाई बहुत फास्ट जा रहे तुम। क्या बोला? भाई भाभी मैं क्या से क्या हो गया, तूने ऐसे दिल को छुआ, देखा जो तेरी अदा, मैं दीवाना हो गया। मिलने के तुमसे कितने बहाने करने। भाई भाभी चल जा रहे, गुस्से में निकल रहे हो। क्या हुआ बेटे? अरे चल हट भाई, हाथ के पंखे। भाई नहीं हिल रही नहीं। अरे वो नीम के पेड़। अबा जिसम में छटा गोश्त नहीं है, हमको नीम का पेड़। जिसम पे छटा गोश्त नहींगा, लेकिन सीने में 2.5 किलो का जिगर है। ये देख 5 किलो का हाथ है, देखिए। अरे क्या हुआ रामू काका? तुम्हारे कितने वक्त बोला मैं हवा चले वक्त बाहर नको निकलो, कुछ भी नहीं होता, चलो। तुम जैसे गरीबों के बच्चों को मेरे कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, खाबा देखते हो बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए। प्रिंसिपल साहब, जो नींद में खाबा देख रहा था, आपकी आवाजों से नींद से जाग गया, खाबा भी टूट गए। आप इतना चिल्लाओ नको मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। क्या बोले? फट जाएगी क्या? फट जाएगी किसकी? फट जाएगी? तुम मेरे मुंह पे गालियां दे रहे हो, चपरासी जाहिल बदतमीज, ये मेरे को गालियां दे रहा है, बाहर करो इसको। सुल्तान साहब, आप हमारे कॉलेज में? हमारे कॉलेज की तो शान बढ़ गई। बैठिए। पैसे की खास बात यही छेद है, पैसा जेब में रहा तो इंटरडिक्शन खुद ब खुद होता, सो पहचानते अपने को। सुल्तान साहब आपके कॉलेज को डोनेशन देने आए, डोनेशन। इसमें परमिशन की क्या बात है, कॉलेज तो आपका है, जहाँ खुली जगह देखी कर लो। अरे परमिशन नहीं, डोनेशन 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 डोनेशन। काय का डोनेशन भाई? अच्छा अच्छा, डोनेशन कौन दे रहा? डोनेशन कितना दे रहा? डोनेशन हम लोग दे रहे हैं, मगर दो शर्त है हमारे। हम लोग रोज कॉलेज को आएंगे, किसी भी टीचर को हमारे आने से एतराज ना हो। वो तो आपका डोनेशन देख के बोलेंगे ना कि आप कितना डोनेशन दे रहे हैं। 10 लाख। 10 लाख? तो फिर इसमें आपको रोज रोज आने की जरूरत नहीं है, आप यही रह सकते हैं। क्या पट्टे लोग आए? 10 लाख। चल भाई वैसे ही मार लेंगे। लाऊं क्या ग्लास? ठहरो, इससे पहले कि कोई आ जाए जल्दी पैका बनाओ, सीटी बजा के। मेरे को भी दान। चलो चलो जल्दी करो, कोई देख लेगा घंटी बजा के। आओ ये ले तो भी पी। क्या है इस बॉटल में? पानी का बॉटल है तो पानी होगा ना मिस, प्याज काट के। अच्छा एक ही बॉटल से तुम सबको पीना जरूरी है? ऐसे पीने से प्यार बढ़ता है मिस। गिव मी द बॉटल, बॉटल दो मेरे को, बॉटल दो। शर्मी की इंतहा, तुम लोग क्लास में बैठ के शराब पी रहे, तुम लोगों को जरा भी हया नहीं आई? हया छुट्टी पे आज कॉलेज को नहीं आई। आपको कैसा मालूम मिस इसमें शराब है? सो अच्छा, इस बात का फैसला अब प्रिंसिपल करेंगे। अगर ये आपकी गर्दन पर चला दूं तो? छोड़ो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। क्या है रे, नहीं मालूम तुम लोगों को मैं कौन हूँ? पहले के पुराने फिल्मा नहीं देखे रे? ऐसा बच्चा गुंडागर्दी करता, अम्मा बाबा को मालूम हुआ तो पचकड़ मारते ऐसा।
ना तुम लोग अम्मा बाबा से डरते, ना टीचरों से डरते, हमारे उसे गुंडे बदमाशों से डरते। अरे पढ़ो रे, ये देश का फ्यूचर है तुम लोगों में। चाकू निकाल रहा, शर्म आना चाहिए तुम लोगों। सुल्तान किधर है? मेरे से हैबत का के नहीं आया क्या? डर और सुल्तान, क्या साहब चार चार बच्चों के बाप होके भी बचपने के बातें कर रहे? मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरे बच्चे किधर किधर पढ़ रहे। वो तो मेरे बस्ती के बिलावड़ को भी नहीं मालूम उसके बच्चे किधर किधर पढ़ रहे। इधर में मैं मीटिंग कर रहे हैं। चौक साहब, वो जोका मजाका होते रहेंगे, मगर मेरी टांग का हिसाब कौन करेगा? ये बालिश भर की हाइट ले लेके बड़े बड़े छलांगा मारेगा तो टांगा तो टूटेंगे इस ना। भारत माता की जय। बैठो बैठो। मैं जब तेरे को पहली बार देखा तो मैं समझा तू पहले ही बॉल में विकेट गिरा देगा, मगर तू चमचे का चमचा ही निकला। बगैर चमचागिरी करे कोई आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो मेरे जैसा गुंडा हो, इसके जैसा पुलिस वाला, या तुम्हारे जैसा नेता। हर चीज का एक टाइम होता है। देख, मैं भी सुल्तान का लेफ्ट हैंड था, मगर आज मैं सुल्तान के बराबर खड़ा हूं। मेरी एक गैंग है, 300-400 लौंडे भी है मेरे पास, धंधे के लिए 10-15 एरिया भी है, और तू क्या करेगा? अरे मेरे भाई, तो तू उड़ पर फैला, आजाद कुल्हाड़ी मार, उड़ जा उड़ जा। कब तक सुल्तान की हथेली में दाना चुगेगा? तो अपने पैरों पे खड़े हो जा, प्लेटफॉर्म मैं दूंगा। शहर में लौंडों को ड्रग्स की जरूरत है, तू और फैसल मिलकर धंधा कर, तुम लोग फायदे में रहेंगे। और दोनों मिलके सुल्तान के दोनों बाजू काट देंगे, जैसा उन्हें मेरी टांग बेकार कर दिया। क्या बोलता रे सल्लू? सोचना पड़ेगा। मैं और सल्लू आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, सुबह पार्टी मीटिंग है। मैं भी चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ एक पर्सनल मीटिंग करनी थी। रेशमा, तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हैं? कभी प्राइवेट में मिलो, इन्हें मैं अपनी सांसों से गर्म करूंगा। क्या रे तबर, संडे है क्या आज? ना संडे है ना छुट्टी है। फिर ये 7:30 बज गए, अब तक कॉलेज नहीं खुला? भाई मैं कौन सा बचपन से स्कूल को कॉलेज को गया, बल्कि बचपन से अपने हाथ में तलवारा चाकू आए। इंतहा हो गई इंतजार की। क्या बात है भाई? आईना जारा तेरे यार की। भाई आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलता हूँ। बोल। कभी साइकिल का डंडा मारे भाई आप? डंडा मारा? कैंची भी मारा। भाई डंडा मारते वक्त चैन अगर उतर गए तो क्या बुरा आलम होता? नहीं भाई। तेरी उतरी तो नहीं ना। भाई पुराने जमा कई याद कर रहे? क्या रे, ये टाइम है कॉलेज खोलने का? ओ, मेरा टाइम तो यही है, आप जल्दी आए तो मैं क्या करूं? आपको जल्दी आए तो खोल लो, रख लो चाबियां। इधर आ, मेरी जान कब आती? जान बोले तो? जान बोले तो मतलब टीचर। जारा
जारा आ? हट, जरा तबर देख ले इन लोगों को। क्या भाई, फिर आ गए तुम लोग क्या? हैं? अरे फिर आ गए क्या बोल रहा रे? आज भी आए, कल भी आते हैं, कभी भी आते हैं। और तेरे बाप को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्या बड़े बड़े बातें कर रहा रे? अब भी आए। तेरा बाप खून बेच के अपनी फीस के वास्ते पैसे भिजा रहा रे तुम लोगों के वास्ते? एहसास नहीं है रे अपने बाप का? और तू क्या रे, दुबई में गुर्दा बेच के आया ना रे तेरा बाप तेरे वास्ते? माँ बाप का एहसास नहीं है रे तुम लोगों को? और तेरा क्या रे, हीरो बन रहा आईने को उतार? बाबा अमेरिका में है, पैसे भेज रहे बोल के तन रहा रे इधर? चलो रुको, ये तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन लेटर है, आज के बाद तुम चारों इस कॉलेज में नहीं दिखना, समझे? चलो। छोड़ूंगा नहीं। जारा, जारा। अच्छा, आखिर पैसे की जोर पर तुम यहाँ तक आ गए? सरा? जारा, इनसे मिलिए, ये सुल्तान साहब है। आदाब। खरीद लिया इनको भी? सर, मैं आपका कॉलेज छोड़ रही हूँ, आप किसी दूसरे का इंतजाम कर लीजिए। दूसरा हजाम? क्या मोहन राव मेरे बाल अच्छे नहीं काटे क्या? आपका ये बहरापन। जानू, बड़े कमीने हैं सर आप। थैंक यू सर। बड़े लालची हैं सर आप और आपकी बीवी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सारे बच्चों को बैगन में मिला दे रहे हैं सब आप। अच्छा हुआ भैरे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जानू। थैंक यू सर। जारी देख, गाड़ी रोक। पकड़ इसको। आइए मैडम जी, आपके स्टूडेंट्स आपको। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। टीचर हूँ मैं तुम लोगों की, क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। Somebody help! आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। जाने दो मुझे, तुझे छोड़ दो। जल्दी निकाल इसको बाहर। ठीक है, चल उतार। आजा। ऐसे नींद नहीं। जल्दी। छोड़ दो। हाँ, हमारा रजिस्ट्रेशन करवाती। पकड़ो इसको। मुझे जाने दो। हमारी जिंदगी बर्बाद। छोड़ दो। जाने दो मुझे। आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या है, कौन बचाने आता है तुझे? चल, लेके चल इसको। क्या जल्दी है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, बस थोड़ा सा, बस 5 मिनट, बस छोड़ देंगे। स्टेशन करवाओगी ना? अब देखो कपड़े खोलो रे। देंगे बस थोड़ा सा। तुम लोग को पहले भी एक बार कॉलेज में मारा था, क्या करने जा रहे थे बच्चे तुम लोग? अरे ये अटेम्प्ट टू रेप है रे, अगर मैं चाहूं तो 7 साल के लिए तुम लोग अंदर जाते रे, सोचो रे, सोचो। अरे उस्ताद का दर्जा हर मजहब में क्या है ये समझो रे। उस्ताद का दर्जा जो होता है माँ बाप का होता है रे मेरे बच्चों, माँ बाप का होता है। कम से कम अब तो सुधरो। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। भाई देखे देखे तक टाइम निकल जा रहा, कब तक अपन ये आंख मुचली खेलेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ भाई सीधा पॉइंट पे आ जाओ। क्या पॉइंट शर्ट बोल रहा रे तबर? मैं तो सोच लिया मियाँ उससे शादी करने का। शादी करूंगा तो जारा से शादी करूंगा, बंजारा हिल पे नहीं रहूंगा, ओल्ड सिटी में अपनी 1000 गज जो जमीन है वहां रहूंगा, मोतिया बहार का झाड़ होऊंगा, 2 बच्चे होंगे, तखत पे बैठूंगा और आप पूरा धंधा संभाल लो मियाँ। सुकून की जिंदगी जीऊंगा, हर संडे घूमने जाएंगे हम, समझ गए ना भाई? आप फिकर क्यों कर रहे,
धंधा हमला पूरा संभाल लेते हैं। मैं हूँ ना आपका भट्टा, उसमें क्या टेंशन की बात है। मगर भाई आपके जो दो कैलेंडर की जो बात बोले आप, मेरा बोलने का मतलब आपके दो बच्चे जो होंगे उल्ला मेरे को चाचा चाचा करके पुकारेंगे तो मेरा दिल कितना खुश होगा रे भाई। मियो भाई ये बिलावर कौन है भाभी के साथ? अहमद कहाँ थे तुम इतने दिनों से? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। मेरी जान मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गया था। एक मैसेज एक फोन कॉल कर सकते थे। अरे बाबा मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। तुम्हें जी भर के देखने तो दो। तुम्हें हर वक्त मजाक ही सूझता है अहमद। मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ तुम्हें मालूम नहीं। अच्छा एक बात बता, क्या तुमने अपने घर वालों से बात की अपनी शादी के बारे में? मेरे घर वाले तो आधी रात को तैयार है, तुम अपने घर वालों को राजी करा लो। हाँ अहमद। भाई बोलना तो नहीं चाहिए मगर तुम्हारी लव स्टोरी के चक्कर में 10 दिन से धंधा मंदा पड़े हुआ है। अगर ऐसी चलता रहा तो बहुत जल्दी हम लोग को रोड पे आ जाना पड़ेगा। तुम और रेशमा कहीं को है मियाँ? खाली खा के फिरने के लिए है क्या हा? अगर धंधा नहीं संभाले जाओ खुदा हाफिज कर लो अपना। भाई आज आप अपने बस में नहीं दिख रहे, फिर कभी बात करता हूँ, चलता हूँ। अरे मेरे कहीं को मारे भाई। क्या बोला था मियाँ? सब डिटेल ला लियो, मेथडिस्ट कॉलेज में टीचर है, अमका ढमका बिलावल का नहीं लाया रे। अब जान दो ना भाई, मालूम हो गया भूल जाओ ना। जबानी सबक कैसा भूलते मियाँ, पढ़े सो चीज भूल जाते। भाई पुराने फिल्मों का डायलॉग है, मोहब्बत और जग में सब चीज जायज है कहते। 24 घंटे के अंदर वो बिलावल का एड्रेस लेके आता हूँ, जाके आता हूँ भाई, देखो खाली। क्या रे क्लास में बैठ के शराब पी रहे थे? अच्छा हुआ रेस्टिकेट हो गए सो। हमारा फ्यूचर तो आपके हाथ में सर, लास्ट ईयर भी आप किस मदद से सेकंड क्लास पास हो गए थे हम लोग। अब तो कॉलेज में नहीं है रे तुम लोग, कैसा पास होंगे? सर अब तो आपको दो दो तरफ से मदद करनी है सर, एक तो OU में एडमिशन और दूसरा हमारे को पास कराना है सर। एक एक को 50,000 रुपये लूंगा। 50,000? हम स्टूडेंट्स 50,000 कहाँ से लेंगे सर? अरे यतीम अनात नहीं है रे तुम लोग, माँ बाप से पूछ के लेके आओ। क्या है रे भाई ये? मेरे पास पिला लिए रखो सर, बाकी के बाद में देख लेंगे अपन लोग। ये क्या है रे? रखो, ऊंट के मुंह में जीरा है ये। खैर चल इससे काम चला लेता हूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम होना। नहीं पास कराया तो नहीं पास करो, क्या कर लेते रे तुम लोग? अगर नहीं पास करो ना तो देख, अभी मेरे को पहचाने नहीं कॉलेज में बोला, जैसा पैसे दिया वैसा काम भी निकालने आता मेरे को। फकीर पाशा, ओ फकीर पाशा। हो ना जी। इधर आ मियां, इधर आ मियां, इधर आ। आखिर है क्या? तो भी इधर आ। ये क्या है देख? हाँ। ये क्या है? क्या है? सुराख देखो, देख वो दीवार देख। अरे एक मिनट सबर नहीं कर सकते क्या? एक कीला, कीला मारा, कीला मारा तू। एक कीला क्या मारे? देख जबरदस्ती। अरे देख हमारी दीवार खराब कर लिया तू, सर पे उठा ले रे। दीवार की हालत देख मियां। क्या देखते जी? हेलो जी। हाँ? क्या हुआ रे भाई? क्या बैगन का पुकारा कर रहे हैं तुम लोग? अरे अरे भाई अच्छे दिख रहे ना रे तुम लोग। अरे भाई हा? अरे देखो भाई दीवार की क्या हालत लिखे लोग दिख रहे ना रे, कई को चिल्लर पना कर रहे। क्या हुआ? देखो भाई इनकी दीवार हमारी दीवार से लगी हुई है।
हम जो है अपनी दीवार के ऊपर कीला ठोक रहे तो इनको क्या तकलीफ है भाई। अरे हमारे दादा बोलते थे 40 घर दूर रहने वाले को कांटा चुभा तो जाके याकी बस्ती वाले वहाँ पूछते थे और तुम लोग पड़ोसियों के आपस में कुत्तों के सरका लड़ रहे क्या जी। अरे भाई समझाओ जरा इनको देखो। अरे चलो जाओ यार जाओ जाओ। आप सुल्तान साहब है ना? गनीमत पहचान लिए, बीपी में समझ भी नहीं आया था क्या? टाइगर सुल्तान बोलते हैं। आइए आइए अंदर आइए। असल बात यह है चिचा, आप कने कई को आया। एक मेरे करीबी जान पहचान की लड़की है, वो लोग काफी पैसे वाले हैं, बंगला गाड़ी घोड़ा हर चीज है, एनआरआई भी है साथ में। वो लोग आपके बच्चे को कॉलेज में देख लिए थे, इस वास्ते मैं यहाँ आया। सुल्तान साहब वो लोग कौन हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जरूर। हाँ मिर्जा साहब। ये मेरी वाइफ शाहना। आदाब। और ये मेरी छोटी बहन नूरी जी। और ये मेरा लड़का अहमद है। और ये सुल्तान भाई, पूरा शहर जानता है इनको अल्हम्दुलिल्लाह। सही। चलो समझ में आ गया तो मुंह मीठा कर लो। जी जरूर। सलामी के 10 लाख रुपए भी दे दो। Why not? Sure. अरे इसकी क्या जरूरत थी जनाब? दारा के घर वालों को अब क्या जवाब देंगे? उनको मालूम हो गया तो? सुनो, चुपचाप मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे, वहां जाकर शादी कर लेना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। भाई जो हुआ ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? चल। अच्छा हुआ जारा इनके घर बहू बन के नहीं गई, वरना जहेज के लिए बाप बेटे लालची जला के मार। मेरे को पान को पैसे दो। सुबह से पान नहीं खा मई। मैं पान खाने पैसे दियूं? मेरे को शराब पीने पैसे नहीं है, तेरे को पान खाने को पैसे दियूं? 3 दिन से पेट को खाना नहीं है, पेट जाके पीठ को लग गया। पान खाता करते पान जान खा हमारी। मर्द के होते हुए, जवान बेटे के होते हुए, बेवा और बे औलाद की जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। मैं तो भी मर जाना है, तुम दोनों तो भी मर जाओ। काई को पैदा करे जी बच्चों को? शोका पूरे नहीं कर सके तो हमको क्या मालूम पैदा होता सो क्या वारे? आज फिर अम्मा भाई गाली सुना छत। हाँ जब तक जेब में पैसे नहीं रहते ना सबके गालियां ऐसी मिलने वाले। पिंडे की मेरी क्या जिंदगी हो गई रे भाई। अरे चल मेरे साथ, तेरे रोजगार के दरवाजे खुला देता हूँ। क्या मतलब तेरा? चल तो सही में। रुक रुक ठहर, मैं बताता हूँ देख कैसा करना। देख देख जैसा लेडीज जैसा फोन पकड़ के जाते ना, मौका मिलते ही चेन खींच लेना। चल पीछे बैठ। देख देख उठ उठ। अरे इधर उससे लड़ रहा है कुश्ती। हाँ उठा उठा गाड़ी को उठा। उल्लू के बट्टे ऐसा गिरता, सीधा बैठ। अरे इधर तू उठा 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 गाड़ी उठा। अरे अच्छा पकड़ रहे, क्या सीख रहे तुम लोग? फैसल का नाम बैगन में मिला रहे। चल फिर से कर। अरे सीधा कर रहे साले चिल्को से, क्या ट्रेनिंग ले रहा रे तू? अरे हौले, क्या चिंदी राइडर है रे तू? अगर ऐसी ट्रेनिंग चलती रही तो इस शहर के चोरों का बादशाह बन जाऊंगा। बासुली थी इसका पोरा। चल जल्दी चल। नमस्ते भाई। नमस्ते। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। ये मेरा दोस्त है, काम की तलाश में शराफत के रास्ते भटक रहा है। यहाँ मेरे पास स्वागरात के गद्दे बिछे हुए नहीं है। फैजल के साथ अगर तेरे को काम करना है बोले तो पब्लिक और पुलिस के जूते लाता खाना पड़ता, समझा रहे तू? हालात के थपड़ा जूते बहुत खराब है भाई। फैजल भाई अब मैं पेट के वास्ते पब्लिक और पुलिस के भी खा लेता हूँ भाई।
तू सूरत से तो आधा चोर दिख रहा रे, तू मेरे पास आ गया ना, आज से तेरी लाइफ बन गई। जाओ रे इसको काम पे ले जाओ, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम जानी साहब। वालेकुम सलाम फैसल साहब। हाउ आर यू? फाइन सर। मामला तरक्की पे बोलो। हाँ कुछ खास नहीं है साहब, ऐसी प्रैक्टिस कर लेते रहते हैं। जैसा मैदान पे उतरते पुलिस और पब्लिक से पीटते साहब। कब तक ये चिंदी चोरी फैसल साहब? पॉकेट मारना सिखाएंगे, रोडिज्म सिखाएंगे। एमएलए साहब जैसा बोले वैसा करो, चार पैसे तुम कमाओ, चार पैसे मेरे को भी कमान दो, दोनों का अंडी चूल्हा चलेंगे ना। चप्पा चप्पा चाय रखा चले। मैं अकेला तो नहीं हूँ साहब इतना बड़ा काम करने, कोई कांधे से कांधा मिला के चले तो काम कर सकता हूँ साहब। कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले मिल गए समझो। हाँ टाइगर सुल्तान का दिल और दिमाग दोनों हमारे साथ। यस बहुत खूब। दिल टूट गया और दिमाग बिखर गया, आज से हम हर वो काम करेंगे जिससे सुल्तान को तकलीफ होती है। आज से हर बुरा काम टाइगर सुल्तान के नाम। अरे बस वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। रुमाली रोटी क्या दावत है साहब, वाह वाह क्या बात है। आप भी लियो, क्या बात है, है क्या बात है। ओहो प्रिंसिपल साहब बहुत दिलवाल है सुल्तान साहब, बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं इसके बाद और भी लीजिए। शुक्रिया। आप लोग खाना शुरू करो, मैं आप लोगों को कुछ सुनाता हूँ, एंजॉय करो आप लोग। और भाई इस प्यारे से माहौल पे एक जोक हो जाए, सुनाइए सुनाइए। ये प्रिंसिपल साहब को डाल देंगे, जरा ऊपर नीचे हो रहे हैं आप, दो खाओ साहब। दो खाओ है ना। थैंक यू। एक रोटी आपके लिए डोनेशन। हाँ थैंक यू। खाओ भाई खाते रहो, मैं एक जोक बोलता हूँ। जरूर सुनाइए जरूर सुनाइए। वाह 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 क्या बात है। एक जंगल में शादी होती। किसकी साहब? शेर की शादी होती। शेरों की शादी? शेरों की भी शादी होती। एक इसके वैसा चूहा था वहाँ, तो शेरा बोले चूहे को, अरे तू कहीं को नाच रहा भाई शादी में बोल के बोले। अरे सही पूछे। ये चूहा बोला शादी से पहले मैं भी एक शेर था। नहीं दरअसल वो एक्सक्यूज मी जी, आपने अहमद को कहीं देखा? जी नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा उन्हें। आपने देखा उन्हें? भाभी किधर तो भी जा रहे? हो मियाँ मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा भी दिल मार ले रहा। चलो चलो भाई। भैया जी ये लोग कहाँ गए, आप कुछ बता सकते हैं? इन लोगों के बारे में क्या बताएं मैडम, अल्लाह करे दोबारा इस बस्ती में ना आए। ये आप, आपके कहने का मतलब क्या है, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ चले गए तो। अहमद फोन उठाओ। देखा मियाँ, ये झूठे मक्कार बिकाऊ लोगों के लिए कितना दिल छोटा कर ली उन्हें। और यहाँ एक सच्चा आशिक, खूबसूरत, मोहब्बत करने वाला, इसका कोई एहसास नहीं है। हाँ भाई इसलिए बोलते हम चाहो तुमको, तुम चाहो जंगल के झाड़ों को। ऐसा नहीं होता रे मियाँ, अब अपने को खुद अटैक करके झंडे गाड़ना पड़ता, समझ गया? भाई जो बोल दिए सो बोल दिए, टाइगर सुल्तान बोलते। चलो भाई। ऑटो ऑटो ऑटो
चलते विजयनगर कॉलोनी। नहीं चलते। ए सुनो। अरे अब यही प्रॉब्लम है रोज की, अपनी मनमानी करते हैं ये लोग। अब क्या बोलना है लोगों को, अपना पैसा मांग के अपनी मर्जी से जाते हैं ये लोग। अब्बा मेरे 70,000 का सोना। रामलो शमशाबाद मर्डर केस फाइल एकड़ोंद्रा। इंस्पेक्टर साहब। हो मास्टर साहब, बहुत दिन के बाद, कैसे हैं आप? दिल की गहराइयों से नाचीज आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है, तशरीफ रखिए। और मास्टर जी, पीएस को क्या खैर खैरात करने निकले? हम चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आए। किस चीज की चोरी? क्या बोलना सर, अभी अभी ज्वेलरी शॉप से हम सोना खरीद के बाहर निकले, दो चोर मोटरसाइकिल पे आए और छीन के चले गए। मास्टर साहब कोई नया धंधा शुरू करे क्या? आई मीन बिजनेस, सोना वोना खरीद रहे, माशाल्लाह काफी दौलत आ गई आपके पास। सर हमारे पास शॉपिंग की वो रसीद है। अब्बा दिखाइए। पूरे 70,000 की है। अरे कार्लोस, रसीद संभालने से अच्छा तो सोना संभालते। अब ये रसीद को लेके जाओ और अलमारी में हिफाजत से रखो, बोलूंगा क्या करना है देखा जाएगा। यू मे प्लीज गो नाउ। इंस्पेक्टर साहब, वैसे कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे चोर? मैडम अभी आप कंप्लेंट दिए, देखो मैं बटन दबा दिया, इंटरपोल पे मैसेज चले गया, आ गए चोर बाहर। इज इट अ जोक? और एक बात, चीज घुमाने में टाइम नहीं लगता, ढूंढने में टाइम लगता। आपका मोबाइल नंबर वहां लिखा दीजिए। जी जी अच्छा। अब्बा चलिए, चलो चलते हैं। थैंक यू सर। हेलो। क्या रे फैसल चूजे, तेरे पट्टे हैबिट्स पे 70,000 का माल उड़े ना? नहीं मालूम साहब। ना 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 ना, होशियारी नहीं। शाम तेरे टेबल पे 50% आ जाना। हाँ नहीं तो डंडा। चल। भाई सुल्तान, भाई आदाब भाई। टाइगर सुल्तान, आप क्यों आए? मेरे को बुला लेते थे, मैं आ जाता था। फैसल, लोगों की खून पसीने की कमाई लूट रहा रे तू। आप क्या बोल रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा टाइगर सुल्तान। हैबिट से एक लड़की का जेवर कौन चुराए रे? कौन थे रे पुट्टे वो? हम लोग आते भाई, हम लोग आते भाई। हमारे को माफ कर दो भाई, पैरा पड़ दो भाई, गलती हो गई भाई। ये पुट्टे तेरे हैं ना रे? भाई भाई मेरे को माफ कर दो भाई, भाई आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाई, भाई भाई माफ कर दो भाई। अरे लंगड़े, दलाली करके तो एक टांग पे गोली खा लिया, अब ये नौजवान बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा और साथ में अपनी आखिरत भी। माँ की किरकिरी। सुधर जा आप तो भी फैसल, भाई जो बोल दिए बोल दिए, समझा? अस्सलाम वालेकुम जारा। देख रहा मियां, पहले के लोग सलाम में पहल करते थे, मेहमान की इज्जत करते थे। आजकल के लोग मेहमान की इज्जत तो छोड़ो, सलाम का जवाब नहीं दे रहे। इधर लाओ। अच्छा, तो ये आपके आदमियों का काम है? अरे मियां, ये तो पूरे जन्म के बिगड़े हुए दिख रहे रे बाप, हम इनका भला करो, इन्हों हमारे पे इल्जामों पे इल्जाम लगाते। जाके चोरों को तो भी दे दे, इतनी मेहनत से चुरा के लेके आए, दुआ तो भी देते, ये चिरांडे लोगों को देने से फायदा क्या है? भाई बाबा, गुस्सा तो तुम्हारे नाक पे ही छे।
छोटी छोटी बातों का क्या बुरा मानता है जी, बैठो चाय वाय पी के जाओ। नक्को जी अम्मा, तुम्हारी चाय वाय शरीफों को पिलाओ, मेरे वैसे लोगों को नहीं। चल। हीरोइन के पीछे गुंडे भी जाना, फिर उसका इस्तेमाल लूट के वापस ला के देना, ये 70s के पुराने फिल्मों का सीना है, समझे? ये 2016 भाई रियलिटी में जीते, फिल्मी अंदाज में नहीं। जय तेलंगाना। या अल्लाह, मैं सुल्तान पे शक करके कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, उसे एक बार मिलना चाहिए। जो काम पुलिस नहीं कर सकी, सुल्तान ने एक दिन में कर दिखाया। उसने मेरी इज्जत भी बचाई। क्या हल्के लोगा मिले रे बाप, उनका सामान उनको देने के बाद शक की नजर। Excuse me? वो आपको एक थैंक यू और एक सॉरी बोलना था। किस बात के लिए सॉरी और किस बात के लिए थैंक यू? बेइज्जती के लिए नहीं, वो दरअसल हमारा चोरी हुआ माल हमारे तक पहुंचाने के लिए थैंक यू, और उसका उसी टाइम पे आपको थैंक यू नहीं बोलने के लिए आई एम सॉरी। अरे हम तो गैरों के लिए अपना खून बहा लेते, आप तो मेरी है नजारा। प्लीज। अरे मोटू, आज टीचर जबरदस्त मूड में दिख रहे हैं यार। बात आगे बढ़ाएंगे क्या? अरे भाई अब बात इतनी आगे बढ़ गई तो हाथ पकड़ के पूरे खसमे वादे ले लेना था। अरे क्या अच्छा है रे, तू चल। ये एक शेरवानी है, ये एक शेरवानी है, ये वाली एक शेरवानी है, वो वाली एक शेरवानी है, ये दूल्हे के लिए अच्छी है। ये वाली बताइए जरा, ये वाली, ये किसके लिए? मेरे लिए। आए, आप पहनिए शेरवानी। जी भाई, आप पहनते कहते शेरवानी? हाँ भाई, तो तेरे को क्या करने का है, उन सूरज से जो है ना कैसे भी दिख रहे होंगे, बुढ़े दिख रहे होंगे, तू अपना बिजनेस कर। तू भाई माफी चाहता हूँ बच्चे की तरफ से, चाय कूल ड्रिंक ठंडा वगैरह। ठंडा गर्म पीएंगे भाई, इन्हें बातें ही टेढ़े कर रहा। सलमान की हुई क्या आज तक, उन्हें बुढ़ा नहीं हुआ? भाई वो सलमान की बात मत करो, सलमान के ऊपर कैसा लग गया, आपके ऊपर भी कैसा लगाना क्या? आप अपना देखो, बच्चे से गलती हो गई, आपको मैं सारी बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं, आप देखो अपना। अहमद, अहमद कहाँ हो तुम? तुम्हारा घर लॉक्ड है, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। अरे देखो मेरी तरफ, कितनी बार कॉल किया मैंने तुमको, कितने मैसेजेस छोड़े, एक मैसेज का तुमने रिप्लाई नहीं किया। अरे तुमसे बात कर रही हूँ अहमद, देखो मेरी तरफ। अभी 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 मैं यहाँ से नहीं गुजरती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम कहाँ हो। अरे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम, क्या हुआ? अहमद ये शेरवानी कैसी है, शादी के लिए? अहमद ये कौन है, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। तो इसलिए तुम्हारा फोन बंद था इतने दिनों से। तो ये चक्कर है तुम्हारा, सबको धोखा दे रहे थे, तुम्हारा यही जवाब है, मुझसे कभी नहीं मिलना। बोलिए भाई, कौन सी शेरवानी पैक करवाऊं? क्या पैक करते भाई, अपने ही पैकअप हो गया। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। पूछ रे, मैं कई कुमारा? क्यों मारे भाई? इतनी जल्दी क्या थी रे, जोड़े की रकम आते ही जो है ना शॉपिंग करने निकल गया। हाँ, अव्वा भी गया, बुआ भी गया, पींच पीने का कुंडा भी गया।
दोनों लड़कियां तेरे हाथ से गए, अब चल तू भी दफा हो, चल मियाओ निकलो जल्दी। क्या रे भाई, जो भी आ रहा बेचारे को मार के जा रहा, क्या रे, क्या बाबा जी का टुल्लू है क्या रे इन्हें? क्या है कि रे भाई, आप शहर में इतनी खैर खैरात करते फिर भी ये शहर से गुर्बत जारी नहीं, दिन पे दिन बढ़ रही। गुर्बत खैर खैरात से नहीं जाती रही है, गुर्बत उस वक्त खत्म होंगी ये देश में जब इंसाफ आम हो जाएगा, समझ गया? तू ये खैर खैरात बोल के बोल रहा, ये अपने आमाल अपने साथ लेके जाते रहे। सही बात। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपसे एक काम पड़ गया था भाई। बोलो। भाई मेरी बेटी की शादी है भाई, हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ मदद हो जाए भाई। कोई बात नहीं, कब है बोलो, सब करा देता हूँ मैं। भाई एक 5 लाख दे दो भाई, मैं खुद इंतजाम कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा शादी खाना है भाई और शादी में खाना खिलाना भी है भाई। 5 लाख रुपए में 10 शादियां कर देते यार, वो कई कुछ झूठे शाना ये, 4 लोग हंसे घर बसे, वैसा शादी करो, घर के सामने डेरा डालो, 1 बिरयानी 1 मीठा, लोगा बम मार रहे हैं, बड़े बड़े लोगा कर रहे हैं, तुम लोगों को क्या यार हो, कब खर्चे के दलदल से बाहर आएंगे? आप जैसा बोले वैसा ही करूंगा भाई। सुल्तान भाई आइए, आप आइए, मेरा फैसला करिए, नहीं होता ये आदमी से। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई। वालेकुम सलाम। 15 साल से बेइज्जत कर रही है औरत, खुला देना है तो खुला दे दे, तलाक लेना है तो तलाक ले ले। 15 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ सुल्तान भाई मैं, शादी होके मेरे 15 साल हुए, अब मेरे से नहीं हो रहा, शुगर बीपी थायराइड हो गया मेरे को, कितना क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बिस्तर कच्चा कर लेते रोजाना। ये बिस्तर कच्चा बोले तो क्या है रे तबर भाई, इसका मतलब ये है 15 साल से इन्हों पीछे आप खल ले रहे करते। क्या हो गया जी अपने माशिरे को, इतने के लिए तल्ला खुला ये सब क्या है? औरतों को भी वही छो गया और मर्दों को भी वही छो गया। एक हकीम का पता देता हूँ, 1 महीने की दवा खाओ सब ठीक हो जाता, ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह को नापसंद चीज है। जी भाई समझे, अच्छी बात है, शुक्रिया, चलो मिलो। शुक्रिया सुल्तान भाई। भाई जो बोल दिया बोल दिया। अरे भाई ये क्या है, भाई भाई क्या है, एमएलए के लोग आपको मारने का प्लान बना रहे भाई साले। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? Thank you.
तुम लोग के रोज के झगड़े पंचायतों से मेरा दिमाग भी खराब हो रहा, मेरे एरिया का नाम भी खराब हो रहा। हमारे एरिया में आके 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो तेल बांट के इन्हों हमारे एमएलए के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं साहब। जूता लेके मारूंगा यहीं तेरे को। ओ भाई पहलवान, पुलिस स्टेशन है, फिल्मी ड्रामे नहीं करने का। इधर झूठ बोल रहा साला। है इंस्पेक्टर, मेरे लोगों को किस जुर्म में गिरफ्तार करे हो? एक्ट ऑफ वायलेंस इन पब्लिक, पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करने के जुर्म में। साहब आपके कमिश्नर साहब को बीच बाजार में अगर बदनाम करे तो आप खामोश बैठते? हमारे लीडर को बदनाम करे तो हम कैसा खामोश रहना साहब? क्या तू एमएलए बनना चाह रहा तो बन, मगर मेरे से इलेक्शन लड़ने के बाद, इन साजिशों से नहीं, समझा? एमएलए, मैं वहां पर चैरिटी करके जा रहा था, तेरे आदमी झूठ बोल रहे। ये साजिश नहीं तो और क्या है? तेरे को चैरिटी के लिए मेरा इलाका मिला क्या? तू पब्लिक से ये बोलना चाह रहा कि तुम्हारा एमएलए तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? जो भी करूंगा मैं करूंगा। ए भाई, तेरे को चैरिटी करना है, खैर खैरात करना है, बड़ा बनना है, घर पे गरीबों को बुला, खाना खिला के भेजा, ये गली गली फिर के हीरो बने, कमाना होकर, समझा? दुनिया में दोस्ती है बस मसलियत का नाम, बेलौस दोस्ती के जमाने चले गए। इंस्पेक्टर, तुम ये शायर की शायरी सुनो, मैं चलता हूं। आइंदा मेरे इलाके में तू खैर खैरात करा तो ये तेरे चेहरे पे हातिम ताई का नकाब है ना, उसे नोच लूंगा, समझा? इंस्पेक्टर, इसको शाम तक रख के छोड़ दो। जय राधे माधव। देख सुल्तान, अभी एमएलए बोला इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूं, आइंदा वो एरिया की तरफ जा मत, नहीं तो तेरे को ऐनक पिना के 3D पिक्चर दिखाऊंगा, भूतों का माया जाल। बड़े हीरो बनने ए जानी, सुन, तेरे को भी मालूम, मेरे को भी मालूम, और वो एमएलए को भी मालूम है, और तू क्या एमएलए की सिफारिश पे मेरे को छोड़ता? 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का कानून मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता, समझा? रही बात हसद और जलन की, उसको कोई क्या कर सकता रे? चलता हूं मैं। हे इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के जोकर का काम नको कर, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। भाई तुम्हारी लड़ाई हुई क्या थे ना मंडी में? अरे कब से ढूंढ रहे तुम्हारे को जगह जगह, फोन भी स्विच ऑफ है तुम्हारा। कई को ढूंढ रहे थे, पुलिस स्टेशन को आ जाना था। खैर कौन थे भाई वो गुंडे? गुंडे तो अपन है, अपने सर पे ना किसी पुलिस वाले का हाथ है, ना कोई लीडर का हाथ है। क्या भाई, आप कोई पुलिस वाले या लीडर से कम हो? वो कुछ भी नहीं है रे, छोटे है छोटे। अरे सल्लू, जब अपने वैसे पावरफुल आदमी के साथ पुलिस का ये सुलूक, तो आम आदमी के साथ क्या होगा, सोच। भाई आम आदमी के साथ तो पुलिस वाले खाली लातों से और गालियों से बात करते। बहुत हो गया मियां, अब अपन भी पॉलिटिक्स ज्वाइन। क्या सोच रहा तू? अच्छा ख्याल है भाई। हेलो सुल्तान भाई, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। दुल्हन वालों की तरफ से दावतनामा आ गया होगा, मेरी तरफ से भी दावतनामा कबूल करे। कौन तो भी है रे भाई, दावतों पे दावत ना देते जा रहा। अहमद हूँ, अहमद सुल्तान भाई, जिसका आपने चुटकियों में रिश्ता लगाया था। अच्छा, वो दो जो लड़कियां पचकड़ मारे थे, अब तीसरी कौन मिले रे बाबू तेरे को? उससे भाई, जिससे आपने रिश्ता लगाया था।
उसके घर वालों के हाथ पैर जोड़कर राजी करा लिया। ठीक है, चल देखता हूँ। सुल्तान साहब। जी मास्टर साहब। एक जरूरी मैटर पे बात करना है। फरमाइए। आपको अगर फुर्सत हो तो क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? जरूर आऊंगा। अरे रे, अरे क्या करेंगे जी अब? हाँ मैं फर्स्ट जाऊंगी देखना। अरे बच्चिया क्या शरारत है ये? बच्चे तुम लोग क्या हो? हाँ चल चल। अरे भाई क्या हालत कर दिया जी मेरी बच्ची की, देखो। खानदान का बच्चा समझ के भरोसा करे वो अहमद पे, माटी मिला कैसा निकला देखो। हाँ अम्मी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलिया। मेरी बहन जारा हद में रही हद में, किसी की उंगली उठे वैसा काम नहीं करी उन्हें। उस धोखेबाज को तो अल्लाह देखेगा। हम उससे अच्छे शरीफ खानदानी बच्चे से रिश्ता करेंगे अपनी बच्ची का इंशाल्लाह। जारा कहाँ है? अरे वो धोखेबाज अहमद के गम में रोते पड़ी हुई है कमरे में। जारा, जारा, अरे कहीं कुछ कर लेंगे भी यहाँ। चल इसको तोड़ दे। एक मिनट भाई। आ, 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 या, 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 आ, 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 क्या धमड़ा पना करता रे तबर, जान देखे वहाँ। दरवाजा खुला था ना? नहीं देखा भाई। जारा कहाँ है देख भाई? फैन, अक्सर लोग फैन को लटक के खुदकुशी कर लेते भाई। अकल नहीं है रे भाई, ये फैन पे कुछ भी नहीं है ना। जा उधर पलंग के नीचे देख। भाई ये पलंग के नीचे तो छोटा गैप है। पतली है रे, घुस जाती हूँ। भाई इसमें मोमबत्ती भी नहीं जाती। फ्रिज में देखता हूँ, इसमें तो खैर नहीं आते। जानू नहीं दिख रहे भाई। जानू ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? तुम्हारे घर वाले बोले कमरा बन करके उन्हें अंदर बैठी हुई है बोले तो हम समझे चिट्ठी उड़ गई तुम्हारी। मैं इतनी कमजोर लड़की नहीं हूँ कि खुदकुशी कर लूं। इतनी कमजोर नहीं हूँ मैं। मेरे को भी कमजोर लड़की नहीं चलती। मास्टर साहब, सर से निकले बाल, घोड़ में तो भी जाओ मोरी में तो भी जाओ, भूल जाओ वो जमीर फरोश को। अच्छे बच्चों की कमी शहर में नहीं है, आंखें खोल के देखो ना, है ना इधर। भाई कब से पतंग को कन्ने डाल के बैठे हुए और आप लोग पतंग पिलाने नहीं दे रहे? पतंग कन्ने मांजा क्या दीवाने बाता है मियां, ये क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, जारा जी की शादी भाई से करा दो। आई ये तो वही बात हो गई, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। शहर में बड़े बड़े लोग भाई को बेटी देने के लिए तैयार है। अरे वो तो हमारी शराफत है जो तुम्हारे से शराफत से मंगले रे, नहीं तो वरना उठाना भी आता। भाई ने बोल दिया शादी करना है तो करना है। अम्मा क्या बात कर रहा रे। मास्टर साहब माफ कर दो बच्चा है, अगर मेरे को जारा के काबिल समझते तो ये रिश्ता कबूल कर लो। मास्टर साहब मैं जारा को खुश रखूंगा। हम इसका जवाब सोच के देंगे सुल्तान। आज मैं अपने एरिया में दौरे पे गया था, वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई। मैंने एमएलए का नाम पूछा तो लोग क्या बोले मालूम? क्या बोले? टाइगर सुल्तान। साला मेरे को पहले से ही शक था कि इन्हें मेरे एरिया में दान कल्याण क्यों कर रहा है। आज इस मीटिंग में फैसला करके उठेंगे कि सुल्तान का क्या करना है। मैं तो बोलता हूँ मार दो साले को। इससे पहले कोशिश करे ना, क्या हुआ? बच के निकल गया साला। ऐसे आदमी को मारना उसको और फेमस करना है।
उसकी इज्जत उतार दो, साला खुद ब खुद मर जाएगा। सही बोला गोरे। इसके वास से बोल रहा हूं, हर बुरा काम उसके नाम से करो ताकि वो खुद ब खुद जलील हो जाए। उसकी इज्जत को चरस दे पे भेज दो, पब्लिक के सामने दो क्या, अपने आप की सूरत भी आने में देख के शर्माना साला। मैं तो आज फैसल भाई को बोल देने वाला हूँ, साफ साफ काम छोड़ दो मलके। हाँ रे सही बात है रे। हाँ लाखों का हाथ मार रहे, 1500 आ रहे हाथ को, उसके हाथ से तारीख सही करे अपने को। अरे हाँ यार, आजकल बड़ी आसानी से और ईमानदारी से इतने पैसे तो चाय की बंडी वाला भी कमा ले रहा। काम छोड़ना है तो फैसल भाई से कहीं को मिलना रे, क्या अपन सरकारी नौकर है, इस्तीफा देने के बाद से सीधा जाके अभी के अभी सुल्तान भाई से बात करेंगे। चल चल। भाई हाँ एक बात बोलूं? बोल। आप मेरे को जरा बेचैन दिख रहे भाई। कल का जवाब क्या आता कि क्या है कि इस वास्ते परेशान हूँ तवर। अरे भाई जवाब का इंतजार तो आपकी शराफत है, वरना आपके एक इशारे पे आपके घर पे आ जाना होला। नहीं रे। अरे भाई आप टेंशन कहीं को ले रहे, आप टाइगर सुल्तान है, आपको ये मामूली चीज नहीं है। भाई सलाम अलैकुम। क्या हुआ रे, पहले तो माफी मांग लिए थे, अब क्या पैसे मांगने आए? नहीं भाई हम शराफत की जिंदगी जीना चाह रहे भाई, चोरी चक्कारी सब छोड़ दिया भाई। कहीं की शराफत की जिंदगी, ये कुत्ते की छेन डाल लगे। बहुत अच्छी बात है रे, शराफत की जिंदगी गुजारो, इसमें मेरे से पूछने की क्या बात है? आपको तो मालूम है ना भाई, ये दलदल से निकलना कितना मुश्किल है। तुम लोग फैसल के लिए काम करते ना रे। ये तो बड़ी चैन है भाई, फैसल, एमएलए, इंस्पेक्टर जानी, सल्लू, रेशमा। सल्लू और रेशमा मेरे आदमी है साले, टांग काट के चील कौवों को डाल दूंगा मैं, और मेरा काम इतना घटिया नहीं है, समझे? भाई झूठ बोले तो टांगा क्या भाई, जान से मार दो। बात इतनी नहीं है, कॉलेज और क्लबों में ड्रग सप्लाई करते भाई लगा। हाँ जानी इंस्पेक्टर तुम लोगों की मदद करता ना। हाँ भाई। अगर तुम लोग फैसल से इतना अचानक गायब हो गए तो उन्हें अरेस्ट करवा देता ना। तो क्या करना भाई, चलो मेरे साथ। भाई आपकी शादी आज नहीं तो कल तय हो जाती, ये खतरे अपन कहीं को मोड़ लेना भाई। खतरे उतरे मेरे को क्या बता रहा मियां, चल। ए सेठ 50 पेटी से 1 रुपया कम नहीं होगा, समझा ना, 50 पेटी बोले तो 50। ए खौल है रे, जिस पे एहसान करो वो पलट के वार करता, एहसान फरामोश है तुम लोग। आखिर क्या हुआ भाई, क्या बात है? सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाने वालों को तुम जैसे सांपा निगलते, सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे साले तुम लोग। सीधे ऊपर नहीं, तुम हमारे कंधों पर पैर रख के ऊपर गए हो। तुम लोगों के खानदों के सहारे रहता तो सीधा कब्रिस्तान जाता। तुम लोगों को सुल्तान की जरूरत है, सुल्तान को तुम्हारी नहीं, दूर के दुश्मन को तो सुल्तान माफ कर देता, बगल के नहीं। सल्लू गलत करा रहे तू मेरे साथ, बहुत गलत करा। नको भाई, नको जी भाई छोड़, नको जी भाई छोड़ दे। अरे भाई इसको मार के अपनी जिंदगी कई को खतरे में डालते, पुलिस कोर्ट कचहरी, अरे जान दो भाई, छोड़ो इसको। आज के बाद नहीं दिखना, टाइगर सुल्तान बोलते मेरे को। कहां गए रे बच्चे ये? भाई ये हंगामा देख के भाग गए लोग। अरे कुछ तो सोच समझ के साथ रखा था ना रे। अरे भाई आप फिक्र कहीं कर रहे, अपन लोग ढूंढ के निकालेंगे लोगों को। जाने दे, गलत लोगों के हाथ लग गए वो। सुल्तान तेरे को ये खून बहुत महंगा पड़ेगा।
वैसे मेरा जहां तक अंदाजा है सुल्तान कोई इलीगल काम नहीं करता। बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है, 10वीं क्लास, जारा को कैसा देंगे? आई देखो, मेरे को तो उसका हाथ जोड़ के जारा का हाथ मांगना अभी भी आंखों के सामने ही जा रहा जी। जारा का बड़ा भाई होने के नाते मेरा तो ओट भाई सुल्तान के हक में है, मगर एक बार जारा से तो पूछ लो अबू जान। हाँ। मेरा तजुर्बा ये कहता है मियाँ, सुल्तान एक अच्छा इंसान है, मगर फिर भी एक बार जारा से पूछ लो, क्या ख्याल है उसका? तुम क्या बोलती हो बेटी? जी अब्बा, जैसा आप ठीक समझे। शर्मीली है मेरी बच्ची। अरे देखो शर्मा के जा रही। हेलो सुल्तान साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। जारा भी राजी हो गई मास्टर साहब। हाँ भाई। उनकी अम्मा भी? हाँ। मास्टर साहब आप कसम खाओ। सर की कसम? बस आपकी दादी की कसम आपको। हाँ? आपके बालों की कसम। आपके रिश्तेदारों की कसम। हाँ? जारा राजी हो गई ना? हाँ भाई। Hey, जी भाई। जाओ जाके गरीबों में तुम लोग का खाना बांटो, परिंदों को आजाद कराओ। ठीक है भाई। नमस्ते। आदाब अर्ज है। ये सुल्तान के आदमियां यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? भाई हम लोग आपके आदमी आना भाई। भाई खाली पीली लाके मार रहे भाई, बोलो ना। खाली पीली नहीं, खाली पीली नहीं। कल तक तुम लोग फैसल के आदमी थे, लेकिन आज से तुम लोग सुल्तान के आदमी। हाँ जानी, टाइम वेस्ट ना को कर, दोनों को गोली मार, किस्सा खत्म कर। टांग पे मारूं क्या? हाँ? अरे नक्को साहब, टांग की अहमियत मुझसे पूछो। इंस्पेक्टर,
इसके दाएं हाथ पे गोली मारो, इसको खाने मुश्किल, इसको बाएं धोने मुश्किल। एमएलए साहब की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। जानी, हाथ टांग छोड़, मुंह में मार। पहचानता इनको? नहीं साहब, पहली बार देख रहा हूँ। कौन है? देखा जानी, बंदूक मुंह के अंदर, बात बाहर। फैंटास्टिक। अच्छे बच्चे मन के सच्चे। हवलदार, बच्चों को ठंडा, बड़ों को ठर्रा, लेके आओ पिलाओ। तू इधर पिंगा बैठ। अब हेलो मास्टर साहब, पेटी को लेके पुलिस स्टेशन आओ जल्दी। अरे मेरी बच्ची का एंगेजमेंट है, कैसे आ सकता हूँ मैं? तू आ रहा या मैं मेरी बारात लेके तेरे घर पे आऊँ? अरे नहीं नहीं नहीं, आप जहमत मत करिए, मैं आ जाऊँगा। आया पाना आया हरियाला पाना। हो गए एंगेजमेंट? ये ना वो दो छोरा जी बैठिए। मालिका, इंस्पेक्टर साहब मत मारिए प्लीज। हमारा सोना हमको मिल गया। क्या? आप इन लोगों को मत मारिए। सोना मिल गया? हमारा सोना हमको मिल गया, बिला वजह बच्चों पे जुल्म मत करो। माल मिल गया? माल गुमा तो पुलिस याद आती। माल मिल गया तो आपका फर्ज एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करना। चोरी का माल कौन वापिस लाके दिए? हमारे एक दोस्त लाके दिए। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? सुल्तान। माल सुल्तान के पास कैसा आया रे? हम लाल सुल्तान भाई के हाथ से काम करते हैं साहब। कितने चोरा है तुम लोगों की गैंग में? 300 है साहब। 300 चोरा है हमारे एरिया में और हमको खबर ही नहीं है। सुल्तान को बुलाओ। यस सर। गर्मी बहुत है नहीं? हाँ। ए आटो रे इधर, कुर्सी लेके आ रहे, बैठिए। सारा, ये आने से पहले मेरे को भी बोल देना था ना, मैं भी आ जाता था। अच्छा हुआ तुम्हें नहीं बताई, नहीं तो तुम्हारी ये असलियत कैसे पता चलती? तेरा जलीलपना है रे, मैं आने से पहले आग लगाया सो। ए राजा नटवरलाल, चल साहब को अंदर डाल, चल। ए हट। क्या हुआ रे? अभी तेरा बताता हूँ। कमिश्नर को फोन करना है, सरकारी फोन से कर। चल कमिश्नर को नहीं रे, रख। सब लोग अंदर जाएंगे। हट साले, जानी इन लोगों को छोड़, मैं अपने वकील को बुला रहा था। कोई किधर नहीं जाएगा। ए छोड़ लोग को। ए चल रे, चल हट उधर, जा इधर, लेके अंदर इसको। हट। बस कर जानी, तेरे स्टोरियां, तेरे डायलॉग बहुत देखा रे भड़बुंजे। ए पक पक बंद कर, ज्यादा बात नहीं। दो चार दफा और लगा के लंबा अंदर कर दूंगा। थप। जाइए आप लोग, जाओ भाई जाओ। पुलिस इज नॉट बैड।
क्राइम इज बैड। सुल्तान साहब आपको किस जुर्म में फंसाया गया और किस जुर्म में अरेस्ट किया गया बता सकते हैं आप? सर बोलिए आपके आपके नाम से ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं और ड्रग्स के डीलिंग चल रहे हैं ऐसा कुछ सुनने में आया है, इसके लिए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप खामोश क्यों हैं? आप सुन लिए, मैं देख लिया, हमने तो बहुत कुछ सुना लेकिन क्या जवाब दीजिए? जवाब चाहते हैं आपसे सुल्तान साहब, कुछ तो कुछ बताइए इसके बारे में। सुल्तान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मुझ जैसी लड़की की कदर ना करके उस टीचर के पीछे पड़ा रहा, अब तो धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है, ना इधर का रहा ना उधर का। साला मेरे एरिये में हीरो बनके मेरे ही रास्ते पे कांटे बिछा रहा था, निकल गई ना नेतागिरी। उसके लिए कई बार अपनी जान पे खेला, मगर उसके सामने मेरी वैल्यू सिर्फ एक गुलाम की थी। कभी मेरे को खुल के धंधा करने नहीं दिया, साला देखो कैसा सड़ रहा है लॉकअप में। कुछ साल पहले सुल्तान को मैं इतना बोला, मेरा 2 किलो का पाउडर बैंकॉक पहुंचा दे, साला कमिश्नर से मेरी कंप्लेन करके मेरे को 6 महीने का बैन लगाया, मेरी वर्दी उतार दिया, बड़ी मुश्किल से मेरी वर्दी वापस आई। वो एक लौंडिया को मैं छेड़ दिया था, साला हीरो बनके बीच सड़क पे मेरे को मारा, वो खार भी है मेरे को। अब इसको कितनी लंबी लगेगी? वकील अच्छा रहा है तो कल ही जमानत हो सकती, यू नो द पावर ऑफ ब्लैक कोर्ट। जमानत लेके भी किसको मुंह दिखाएगा, थू थू होगी सारे शहर में उसकी। अरे इसको इतनी जल्दी आजाद नक्को होने दो, ऐसा केस ठोको कि वो जेल में सड़ता रहेगा, कुत्ता कमीना जलील का आका की। अगर आजाद हो भी गया तो साले के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। देखो मेरे लोग आ गए। तू बोल रहे भाई को? भाई आपको एक बात बताना था भाई। बोल भाई। 302 307 चोरी, स्नैचिंग, रेप केस, ट्रक्स, शहर में जितने भी बुरे काम हो रहे और हम कर रहे हैं, उसके बॉस आप है कहते हैं भाई। भाई वो फैसल सल्लू, वो MLA, वो इंस्पेक्टर ठहर के मेरे मुंह में लोगों का जबरदस्ती बंदूक लगा के झूठी गवाही ले लिया भाई मेरे से। पूरे हमारा बयान रिकॉर्ड कर लिया भाई लोगों, हमारे को माफ कर दो भाई, हमारे को माफ कर दो भाई, हमारे से गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई, हमारे से गलती हो गई भाई, मेरे को कुछ नहीं होता बेटा, अल्लाह मेरे साथ। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, पर मेरे को तुम जैसे नौजवानों के ऊपर तरस आ रहा है भाई। ये साले देश के दरिंदे मेरे नौजवान बच्चों को खराब कर रहे हैं, दुश्मनी मेरे से है तो तुम लोग क्या बिगाड़े रे, अल्लाह पे भरोसा रखो। सुल्तान भाई को छोड़ दो। चिल्लर चिल्लाना नहीं, इधर डाल दूंगा सबको अंदर। ऐसा कैसा डालते अंदर, हमारे मसीहा है सुल्तान भाई, छोड़ दो उनको। चले गैस के फुग्गे ज्यादा उड़ मत, पिन चुबा के फोड़ दूंगा तेरे को। अरे नहीं करना इधर, पहले छोड़ दो हमारे सुल्तान भाई को। अरे मेरे भारत के संवाददाताओं, घर को जाओ, कूलर ऑन करो, सो जाओ, चिल्लाने का नहीं इधर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। काला कावा काट खाएगा, सच बोल। नमस्कार। नमस्कार, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? चलिए आइए। वकील साहब एक बात पूछता हूँ। जी। दिन रात धूपों में फिर के मेहनत करके मुजरिमों को एक के बाद एक अंदर ला के डालते हम लोग, और अपना रसीद दिखा के छुड़ा लेते। भाषण देना नेताओं का काम है, पुलिस वालों का नहीं। ये जमानत के पेपर्स देखिए आप। हुँ?
छोड़ दो रे हीरो को। अस्सलाम वालेकुम भाई, लोगों को छोड़ना नहीं। चलो हीरो हीरालाल, मेल मिलाप हो गया तो इधर आके साइन करो। चलो छोड़ के कहीं जाना नहीं, कोर्ट का समन कभी भी आ सकता है। इतनी साजिशों के बाद भी उसे दो दिन के लिए जेल नहीं भेज सके, इसके वास्ते घड़ी घड़ी बोल रहा हूं उसको मार दो, मगर कहां सुनते। फैसल भाई, साला एक मच्छर मारे आज तक जिंदगी में, भाईगिरी की बात करते भाई। आपके बोलने पे उसको मारने की भी कोशिश करा, मगर साले की किस्मत अच्छी है तो मैं क्या करूं। वो चोरों को मार तोड़ के उसके खिलाफ बयान देने के वास्ते तैयार करे थे, सारा ये भी फार्मूला फ्लैप हो गया। मैं तो सुल्तान से गद्दारी करा था उसकी कुर्सी हासिल करने के वास्ते, मगर मेरी चुवाट लग गई। मेरा प्लान उसको मेरे ही रेप केस में फंसाने का था। मुझे लगा तुम लोगों का पासा कुछ काम आ जाएगा, मगर पासा ही पलट गया। तबारे द्रो जी भाई, वो शूट करो। सही है। ये क्लिप व्हाट्सएप कर दो सीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, और फेसबुक पे डलवा दो। ये कमीनों को हम बताएंगे। उसको गरीबों की दुआ है इसलिए बच रहा हूंगा। खैर, वाह 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 वाह। सही बोले एमएलए साहब, मेरे को गरीबों की दुआ है। चीन के खाने वाले लोग हाँ गरीबों को क्या देते। अरे मैं क्या गरीबों की मदद करा, मेरे दुश्मन बन जाते तुम लोग। अरे ये लोगों को तो खैर अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, तुम लोग तो समाज के जिम्मेदार आदमी है ना, इंस्पेक्टर और एमएलए। तुम लोगों को कोई बुरा आदमी तोहफे रिश्वत दिए तो उसका साथ देते, मैं एक शरीफ आदमी अच्छा काम करे तो मेरे को इतना लंबा हाथ देते तुम लोग। क्या दुश्मनी है रे तुम लोगों को मेरे से। सही है, हम कुछ भी कर रहे हैं, वो बचते जा रहा। Oh!
आदाब सर। सर ये समाज के दुश्मन एमएलए और इंस्पेक्टर। मेरे को ऑलरेडी आ गया इंफॉर्मेशन, आए तो आ गया, मैं पूरा देख ले रहा हूँ। ये क्या सीआईआई एम सीआईआई आ नुवो गवर्नमेंट एम जेप्तुंदी प्रजलक मन एम चेयाली न्यायम चेयाली जरूर तुमको सस्पेंड कर दूंगा। लीडर आई गुड़ा मंची तेल्ला ड्रेस वेसुकोनी पब्लिक नी नीड चेयाली मीरु। हाँ ये तरीका ठीक नहीं, तुमको मालूम, ये पूरा लोगों को लेके जाओ अंदर डालो। शुक्रिया सर। ओके मुझे माफ कर दो दादा जान, मैं आप लोगों को बहुत तकलीफ दिया। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। गिर ये सब तुम लोगों के वजह से हुआ। जो पांडव पे सिगरेट और पाना खरीदता था वही पांडव बा खरीद के चुन्ना कत्ता लगा के मीनार जर्दा मार के पाना बेचूंगा और क्रेन छुपारी भी बेचूंगा। तुम ला क्या करते रे? मैं तो इडली डोसे की बंडी डालूंगा रेशमा डार्लिंग के साथ। हैदराबाद सिकंदराबाद में आजकल उसका जबरदस्त ट्रेंड चल रहा। जगह की कोई टेंशन नहीं है, अपने को कोई भी दे देते। मुझे इडली बनाना नहीं आता। तो डोसा बनाओ। मैं तो ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। मैं बेगम बाजार में छिला हुआ अदरक लहसुन बेचूंगा। तू क्या करता रे? मैं पत्थरगट्टी के फुटपाथ पे चड्डी बनियाना बेचूंगा।
यहाँ आपको पढ़ाई के लिए एडमिशन मिला, ये बेहुदा हरकतों के लिए नहीं। ये बेहुदा हरकत नहीं चलेगी। क्या पी रहे थे आप? शराब। लाइए हमें दीजिए। दीजिए ना हमें। अरे हम बच्चों को सुधारने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं। शराब कैसे पी सकते हैं? आप भी ना। अरे ये बेल कैसे बज गई? बेल मैं बजाया, क्योंकि इस वक्त भाई के खाने का टाइम हो गया। क्या? ये जन्म का भुक्का है, हर घंटे को खाना और मिठाई होना इसको। बच्चों तुम लोग इसके वैसा खा के मोटे नको हो। वैसे मैं अब भी खा के आया, फिर खाना दिल बोल रहा। चलो रे तुम लोग भी खा लो, चलो छुट्टी तुम लोग की। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बातों बातों में उनका जो नाम आया, मेरी आंखों में वो सुबह शाम आया। मेरा हर पल न जा।